योर एजुकेटर। आज हम लोग अपनी डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं और जो डेट है जो हम आज कवर करेंगे वो आपकी 14th अक्टूबर 2020 है। यहाँ पे हम लोग 14th अक्टूबर 2020 की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इन डिटेल होगी वीडियोज, एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेगा और जो नोट्स आप लोगों के लिए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, मतलब बायलैंग्वल हमारी ये वीडियो होने वाली है। ये जितनी भी न्यूज़ मैंने ली हैं ये सारी की सारी आपकी ऑल इंडिया रेडियो मतलब एएफ और आपकी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB से ली गई हैं, मतलब ये दोनों ही आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट चलाती है और यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो सारी न्यूज़ सही रहती हैं। ओके दोस्तों, मतलब 100% आप विश्वास कर सकते हैं अपनी न्यूज़ पर। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्राइस जो है वो अनअकैडमी पे कोर्सेज के बढ़ने वाले हैं। 20th अक्टूबर से प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए अभी आप लोग ले सकते हैं उन्हें जाके। और अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, आपको अपने पैसे बचाने हैं, तो आप लोग स्टडी IAS कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा, वहाँ से आपको 20% डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो जब भी आप कोई अपना कोर्स एनरोल करें या खरीदें उसे, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, साल 2 साल, उस टाइम पर आप स्टडी IAS जब भी यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा स्टडी IAS के कोड को और अपने पैसे ज़रूर बचाइएगा। 20 अक्टूबर से प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो अभी जल्दी जाके ले लीजिए। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आती है कि डेली करंट अफेयर अमन सर के द्वारा चलाए जाते हैं, तो आप लोग जरूर जाके उन्हें देखिए। अनअकैडमी प्लस पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहता है, चाहे आपको कोई भी न्यूज़ आई हो पूरे दिन भर की, वो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो आप एक बार देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है ये नंबर हमारे सामने, और ये नंबर आप लोगों के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी, टाइम टेबल या फिर किस एजुकेटर को फॉलो करना है या फिर प्राइजेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नंबर जनरेट कराया गया है, इस पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। आपके नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं UPSC CSE मेंस 2020 के लिए, जो कि 19th, 14th और 14th अक्टूबर से ही है। यहाँ पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं, तो जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए। हिंदी, बाय लैंग्वेज, इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो भी आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। और लास्ट में न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि मॉक टेस्ट होते रहते हैं आपके हर महीने 2 बार, वो भी फ्री में होते हैं, और जो बच्चे टॉप 50 रैंक लाते हैं उन्हें प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करने के लिए, तो अभी आप जाके यहाँ पे एनरोल भी कर सकते हैं। 25th अक्टूबर 10 AM को अगला जो आपका मॉक टेस्ट होगा फ्री में होता है वो होने वाला है, तो जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए। अब बात करते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो कोलेबरेट कर रहा है आपका CGI के साथ। वो लोग इनोवेशन को प्रमोट करेंगे हमारे जितने भी इंडिया में स्कूल्स हैं उनमें, मतलब आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर चलने की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट ही है जो आप लोगों के लिए आगे जाके कोई नई चीज़ इनोवेट करेगा जिससे कि हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसी के चलते हुए और डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें, तो आपका ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग के साथ मिलके एक इसने SOI मतलब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है CGI इंडिया के साथ। यहाँ पे जितने भी इनोवेशन होने वाले हैं ये सारे आपके स्कूल लेवल पर होंगे, मतलब कि आप लोगों को जो भी आप कह सकते हैं जो भी आपके वर्कशॉप करवाई जाएंगी या फिर किसी भी तरह की बातें आप तक पहुँचाई जाएंगी वो स्कूल लेवल पर है। जो बच्चे स्कूल में हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये इनोवेशन की बात यहाँ पर करी गई है। इसका मेन इतना ही है कि ये लोग कुछ भी करके हमारे इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं जो इनोवेटिव वर्कफोर्स है, हमारे जितने भी ALT स्कूल्स में आते हैं, ATL स्कूल्स में, उन सभी में ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकें। ओके दोस्तों, और मेन और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट IIT आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं, तो जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस पर भी यहाँ पे देखने की बात करी गई है। AIIM एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, और ये कल्चर ऑफ इनोवेशन का साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी हमारे कंट्री में आप कह सकते हैं प्रमोट करने की बात यहाँ पे करी गई है। आप लोग मान सकते हैं कि अभी तक जिस स्कूल में आपके ATL जो है वो एसेस हुए हैं वो आपके 2.5 मिलियन स्कूल हैं हमारे ओवरऑल इंडिया के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे वर्कशॉप भी करवाए गए हैं काफ़ी सारे स्कूल्स में, जहाँ पे आपका DIY डू इट योर सेल्फ जैसी चीज़ों को प्रमोट किया गया है। बच्चों को छोटी सी उम्र में ही ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रिएटिव सोच रखने के लिए कुछ इस तरीके के इनोवेशंस को स्टार्ट किया गया है हमारे अभी आप मान सकते हैं AIIM के दौरान में। ओके, मतलब इस मिशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ये सारी बातें जो आपकी देखने को हमें मिलती हैं दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ को, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात आती है कि जो आपकी BDL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसने आपका जो फाइनल पेमेंट थी, जो पे था, वो हमारी गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया है। आपको बताता हूँ मैं आपकी ये पूरी कहानी क्या थी, आखिर क्यों इसने पे किया है।
तो आपको बता दूं, मैं आपको जो आपकी BDL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये आपकी हैदराबाद बेस्ड एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, और इसने अभी पे किए हैं आपके 35.018 करोड़ रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ रुपए इसने आप कह सकते हैं हमारी इंडिया को पे किया है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपनी जो हिस्सेदारी थी इसकी उसे दिया है इंडिया को। ओके, अगर हम लोग बात करें आपका ये जो BDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो सिद्धार्थ मिश्रा हैं, उनका नाम रिटायर्ड हैं ये, तो इन्होंने इस चीज़ को मतलब आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट किया है। ओके, और इन्होंने हमारे रक्षा मंत्री जो कि श्री राजनाथ सिंह है उनसे बात करते हुए ये चीज़ को कहा था। BDL ने कहा है कि इन लोगों का जो अब तक जो फाइनल डिविडेंड था वो आपका 2 रुपये था, मतलब 2.55 पर शेयर ऑफ ₹10। अगर 10 रुपये की यहाँ पे कमाई होती है तो वहाँ पे आप लोग 2.55 जो है रुपये जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 के बारे में बात कही जा रही है, और अभी अगर हम लोग बात करें, अगर ओवरऑल हम लोग बात करते हैं जितना डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो 25.5% जो है इस अमाउंट को देने की यहाँ पे बात करी है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 183.28 करोड़ रुपए हो जाता है। ओके दोस्तों, BDL जो है उसका जो आप कह सकते हैं सालाना जो टर्नओवर रहता है वो आपका रहता है 3950.20 करोड़ रहता है, जिसका आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहता है उसका वो रहता है 742.45 करोड़, और ये बात करी जा रही है आपकी 2019 से 2020 वाले ईयर में। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में, तो उसके जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है श्री राज कुमार, और अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एरो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है दोस्तों, उनका नाम है श्री चंदकर भारती, तो इन दोनों ने ही इस टाइम पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, मतलब कि जो बातें आई थी सामने वो इन दोनों के सामने आई थी, तो ये सारी बातें जो है वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसने 196 जो पेयर हैं फेस्टिवल स्पेशल सर्विसेज जो हैं उसे यहाँ पे लागू करने की बात यहाँ पे कर दी गई है। अगर हम लोग बात करें ये 196 पेयर्स आपका मतलब हो गया आपका 392 ट्रेन्स, पेयर का मतलब हो जाता है आप मान सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो पेयर में ट्रेन्स जाती हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि ओवरऑल जो ट्रेन है वो आपकी 392 ट्रेन है, और ये लोग फेस्टिवल स्पेशल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाएंगी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो कि आपके शुरू हो जाएंगे 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक। आप लोग जानते हैं कि इस दौरान काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसी चीज़ को नज़र रखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऐसी जो स्पेशल ट्रेन है इसे चालू करने की बात यहाँ पे करी गई है, और जो इसका फेयर रहेगा जो स्पेशल ट्रेन है या फिर जो स्पेशल सर्विसेज दी जाएंगी वो हर एक स्पेशल के लिए अलग हो सकता है दोस्तों। ओके, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं जिस ट्रेन में दी जाएंगी उस हिसाब से उसका जो फेयर है जो पैसा है वो लिया जाएगा। ओके, जूनर रेलवे जो है उसने नोटिफाई कर दिया है, मतलब अभी वो कुछ दिनों में नोटिफाई कर देंगी किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो रहेंगी आपकी ट्रेन की स्केड्यूल के हिसाब से रहेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। ओके दोस्तों, और 196 यहाँ पे पेयर रही हैं, मतलब उन्हें अप्रूव कर दिया गया है कि ये लोग स्पेशल जो ट्रेन है या फिर आप कह सकते हैं फेस्टिवल स्पेशल जो सर्विसेज हैं वो हमारे पूरे इंडिया के में प्रोवाइड करवाएंगी। ओके दोस्तों, तो ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोरोना के चलते सारी ट्रेनें जो थी वो बंद थी, लोगों का आना जाना बंद हो रखा था, तो यहाँ पे एक नई पहल जो है वो शुरू करी गई है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने कमिटेड किया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज, मतलब कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कानून को आप कह सकते हैं और नई ताकत देने की यहाँ पे बात करी गई है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो लोग 780 करोड़ रुपए जो है ये इन्वेस्ट करेंगे हमारी पुलिस फोर्सेज के मॉडर्नाइजेशन पे। मॉडर्नाइजेशन से मतलब हो गया आपका जितने भी यहाँ पे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे बात करी गई है। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं क्राइम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे 780 करोड़ रुपए की बात करी गई है जो कि इन्वेस्ट करा जाएगा हमारे पुलिस फोर्सेज में डायरेक्टली। यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ आएगी, चाहे वो ई साइबर लैब हो, ओके दोस्तों, और चाहे आपका किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन में किसी नए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही हो या कोई आपको और नई फोर्सेज लाने की जरूरत पड़ रही है या फिर उनको किसी तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात करी गई है, तो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रख सकते हैं कि हमारी जो पुलिस फोर्सेज है उसकी मॉडर्नाइजेशन की बात यहाँ पे करी गई है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। ओके, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनकी लीडरशिप में ये सारी जो बातें हैं वो करी जाएंगी। ओके, क्योंकि उनका कहना है कि हमें अपनी इंडिया को क्राइम फ्री इंडिया को बनाना है। ओके, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है कि बांग्लादेश जो कैबिनेट है उसने एक नई पनिशमेंट जो है आप कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट जो है रेप के लिए वो अप्रूव कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बहुत इसके चीज़ के बारे में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है, अमिट किया है अपने प्रिवेंशन ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रिप्रेशन एक्ट 2000 को, मतलब 2000 को यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अमिट किया है दोस्तों। यहाँ पे जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसको चेयर किया था वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने ढाका में ये मीटिंग हुई थी। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से आप मान सकते हैं 4 अक्टूबर से आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी आप कह सकते हैं
प्रोटेस्ट जो है वो वहां पे बांग्लादेश में देखे गए हैं, अगर आप वहां पे, क्योंकि अभी कुछ दिनों में यहाँ पे गैंग रेप हुआ था वुमेन इन नोखाली पे, जिसके बारे में पूरी जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप या फिर जितने भी वहाँ के लोग थे जो प्रोटेस्टर थे वहाँ के, वो सारे के सारे ढाका में आ गए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिमांड करी सरकार से, उन्होंने कहा जितने भी उनके रूल्स हैं वो उनकी कंट्री में बढ़ाए जाएँ, क्योंकि आप लोग, अगर मैं बताऊँ जिस हिसाब से डाटा आया था उस हिसाब से बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो केसेस थे रेप के वो बढ़ गए थे। तो इसीलिए उन्होंने अब जो है एक नया आप कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट जो है रेप के लिए वो यहाँ पर लागू करवा दी गई है। अब तक वहाँ पर जो हाईएस्ट पनिशमेंट थी रेप के लिए वो लाइफ इंप्रिजमेंट थी, मतलब कि आप कह सकते हैं उम्र कैद की सजा यहाँ पे दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। ओके दोस्तों, हालांकि इस टाइम पे उनकी जो पार्लियामेंट थी वो सेशन में नहीं थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद उनकी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। ओके, मतलब एक ऑर्डिनेंस की तरह पे ये इशू करा गया था और उसे वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया था। ओके दोस्तों, तो ये बातें हमारे सामने आती हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। नेक्स्ट आपकी आती है न्यूज़ की, आज के दिन 13 अक्टूबर 1999 के अंदर जो अटल कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने थे इंडिया के। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है, ये भी आप बात को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें नेशनल फिलेटली डे के बारे में, तो आपका मैं बता देता हूँ कि ये फिलेटली डे मनाया जाता है कि जब जो लोग आप मान सकते हैं जो स्टडी करते हैं पोस्टल स्टैम्प्स की या फिर पोस्टल हिस्ट्री की, उन लोगों के लिए ये जो डे बनाया जाता है, उन लोगों के सेलिब्रेशन के लिए डे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कलेक्शन होता है जो भी, मतलब आप कह सकते हैं लोग जितने भी फिलेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, उन्हें अप्रिसिएशन दिया जाता है। मतलब कोई भी लोग अगर वहाँ पे रिसर्च कर रहा है, कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज चल रही है किसी स्टैम्प पे, तो उन लोगों के लिए ये एक डे बनाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे आप मान सकते हैं जो भी लोग स्टडी करते हैं पोस्टेज की, उन लोगों के लिए ये मनाया जाता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, माई स्टैम्प एक ब्रांड है जो कि पर्सनलाइज चीज बनाता है अपने पोस्टल स्टैम्प की इंडिया पोस्ट के लिए। ओके दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो नेशनल फिलेटली डे जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया गया है इस साल। ओके दोस्तों, ये पूरी वीक चल रही है आपकी, नेशनल पोस्टल वीक जो है ये 9th से 15th अक्टूबर तक आपकी ये जो है ये आपकी वीक जो है चलेगी। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा अलग अलग डेज पे, वो मैंने कवर कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, आज की रिवर के बारे में बात करें तो कावेरी रिवर के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो कावेरी रिवर जो है ये इंडिया की रिवर है और ये आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु जो स्टेट है यहाँ पे फ्लो करती है। अगर इसकी हम लोग बात करें ओरिजिन या फिर कहाँ से ये निकलती है, तो जो इसकी रेंज है वो आपकी ब्रह्मागिरी रेंज है, वहाँ से निकलती है उसके वेस्टर्न घाट से, जो कि आपकी कर्नाटक स्टेट में कडुगु डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आती है। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो 1341 इसका मीटर जो है अबव सी लेवल से इतने ऊपर पे इसका एलिवेशन रहा है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये आउटफॉल हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर जो है ये कवर करती है डिस्टेंस। ओके, जो आपकी कावेरी रिवर है ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, इससे पहले आपकी गोदावरी और कृष्णा आती है। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो इस हिसाब से इसको एक अलग वैल्यू दी जाती है। ओके दोस्तों, ये तमिलनाडु स्टेट को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में, और काफ़ी आप कह सकते हैं एक बड़ा सोर्स है तमिलनाडु के लिए कावेरी रिवर। ओके दोस्तों, ये आप मान सकते हैं कावेरी रिवर जो है वो साउथ जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक वर्शिप है, जो कि आपकी गॉडेस कावेरी अम्मा उनके लिए मनाया जाता है यहाँ पे। और कावेरी रिवर जो है वो इंडिया में जो 7 होली रिवर्स हैं उनमें से एक भी काउंट करी जाती है, मतलब एक ही उन 7 में से रिवर है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आएगा। शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि इतनी सारी आपके लिए आज के लिए न्यूज़ नहीं थी, तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी मैंने कवर करवा दी है। और अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, अगली वीडियो में मैं आपके डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।